अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। और सुबह हो गई है, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज अमान में रखे। और बच्चे उठे और मैं नाश्ता बना के लाई हूँ। यमी यमी से पराठे साथ चने हैं, तो हम करने लगे हैं नाश्ता। पायों वाले चने, ये जैनब को बहुत पसंद है। तो सुबह सुबह डैडी देके गए, हमने बनाए हुए थे कल आलू, तो बच्चों को, बच्चे आलू नहीं खा रहे थे शौक से, तो मैंने कहा चले ये चने मंगाते हैं। काकू को तो मेरे बहुत ही पसंद है ना सारी। तो अब हम करने लगे हैं नाश्ता। जैनब डाल रही है अपने चने, और ये है हमारे यमी यमी मम्मा के हाथ के पराठे। ऐसे पराठे कहीं नहीं मिलते। और मम्मा के हाथ की बिरयानी, वो तो एंड लेवल है, एंड लेवल। जैनब कहती है मम्मा के हाथ की जैसी बिरयानी मैंने कहीं नहीं खाई। तो चले हम नाश्ता। काकू आपको क्या हुआ, आपने अंडा खाना है? नहीं, चले फिर उठ जाए ना आप। सारी माँ दरअसल बहुत सो सो के उठे हैं, इसलिए बहुत ढीले ढीले हुए हुए। चले आप उठ जाए, नाश्ता करते हैं हम, और फिर होते हैं नाई नाई करनी आज, ठीक है? फिर नाई नाई करते हैं। और यहाँ सारिम नहा के रेडी हो के क्यूटू बेबी बने हुए। और सारिम ने एक जो है ना फ्लावर, जैनब ने सारिम को बना के दिया है हाथ से। ये देखें कितना खूबसूरत, ये इसने रैपर कोई रोल किया हुआ है ना, डंडी बनाई है, फिर ये पत्ते काटे, फिर ये चीज, फिर कलियां। सारिम जरा करीब से तो दिखाएं हमें आप। ये देखें जी, ये सारिम ने, जैनब ने हाथ से बना के एक एक पत्ती बनाई है। ये जैनब ने मोड़ी है पत्तियां, एक एक काट के मोड़ के फिर ये बनाई है। कितना खूबसूरत फ्लावर जी बेबी। जैनब ने बनाई है, सारिम ने, सारिम ने कहा बनाया, जैनब ने बनाया। सारिम शाह आप बना सकते हो ऐसा? यू पहले गोल काटो, फिर यू ग्रीन ग्रीन बनाओ, उसके बाद यू फ्लावर लगाओ। ये पहले ये गोल वाला बनाओ, उसके बाद ये बनाओ पट्टिया, उसके बाद ये बनाओ, उसके बाद बना के एक डंडी बनाओ, उस पर लगाओ ये, उसके बाद दो ये पत्ते लगाओ, उसके बाद ये लगा दो। बेबी ये कहना सारा कुछ तो बहुत आसान है, और आपो ने जिस मेहनत से बनाया है मैं देख रही थी, एक एक पत्ती काटी मोड़ी उसने सारा कुछ किया, तो फिर ये फ्लावर उसका बना था। ये देखें कितना खूबसूरत फ्लावर। लेकिन मैं तो बना लूंगा। आप बना सकते हैं? पहले इसको रोल रोल करो, लोल लोल माँ सदके शहजादी मेरा। हाँ अभी कोई गेम खेलते हैं, आज सारिम की कजन आई भी आमना, और हम सोच रहे कोई गेम खेलते हैं। तो चले अभी हम कुछ देखते हैं और फिर कोई गेम खेलते हैं। सारिम सोचते हैं पहले, है ना? सो हमने अभी एक एक गेम सोची है। हमने कहा गिलासों से बनाना है हमने टावर। ये जैनब और आमना है, और ये इनके पास है कितने 30-30 गिलास है ना तुम लोगों के पास, 30-30 गिलासों का ये यहाँ बनाएंगी टावर, और जो बना लेगी सबसे पहले टावर वो होगी विनर, ठीक है ना? देखते हैं आज इन दोनों में से कौन सारिम जो है वो देखेंगे कि इन दोनों में से कोई लड़की चीटिंग तो नहीं कर रही। वो सारी माँ जज को बैठा रहने दो। चलो जी, चले जी, किसका कितना बन गया? जैनब का थोड़ा सा गिर के टूट गया, आमना का ज्यादा टूटे, और आमना का ज्यादा टूट गया, और जैनब का बस, और जैनब का सारा ही गिर गया है। अब देखते हैं जी, नजर लग गई सारी शाह, नजर लग गई। एक आपके पास चला गया, आपका है जैनब, इधर से लुढ़क कर आया जैनब का। नहीं, अगर इन दोनों में से देखते हैं ना कौन जीतती है, कौन बना सकती है। अभी जल्दी से जल्दी बनाए भाई, जल्दी बनाए, देखें जरा। तुम्हें भूख लगने शुरू हो गई है? ओहो सारिम तो हंग्री हो गई है ना। मम्मा इसके ज्यादा टूटे बना रही है फटाफट जैनब ने, और जो आमना है वो भी लगी हुई है। सारिम आपको क्या लगता है कौन जीतेगी? मैंने पेड़ रखा हुआ। सारिम आपको क्या लगता है? मुझे लगता है दोनों नहीं जीत सकती। दोनों नहीं जीत सकती? सारिम को तो लगता है भाई तुम दोनों ही नहीं जीत सकती हो। इसका वो टावर बन गया। ओ आमना का फिर गिर गया सारिम शाह। आमना का फिर गिर गया सारिम की कजन आमना का तो गिरे ही जा रहा है भाई। और जैनब ने बना ही लिया काफी। आमना को खराब जगह मिली है। खराब जगह तो नहीं है, एक जैसा बेड है बेटा। मैं जमीन पे, ये दोनों कहती हम नहीं बैठ रहे नीचे, हमें बेड पे खेलना है। मैं कहा देख लो बेड पे, अगर तुम आराम से इजीली बना सकते हो टावर तो ठीक है।
कितने रह गए ग्लास तुम्हारे से ना? तोड़ना है ना? नहीं नहीं बना बनना तो रहने दो। वाह जी वाह जी वाह, जैनब गई है जीत और आमना गई है हार, और जैनब इज विनर। और आमना तुमने क्यों नहीं यार बनाया? लास्ट टाइम आमना जीती थी ना, लास्ट टाइम आमना वो क्या चैलेंज था जिसमें आमना जीती थी? हवा से, हवा वाला था वो, हाँ बैलून वाला था, बैलून और हवा वाला था। तो और अब जीती है जैनब। आपने तोड़ना है तो जी यहाँ पे जीत गई हैं जैनब। और ये देखें जरा सारिम ने गिलास गिलास खिला दिए। सारिम सारिम बेटा आप सारे इकट्ठे करें, हम सारिम अब इकट्ठे भी कर दो सारे आप गिलास। चलें जी सारिम करेंगे, छोड़ दो जी लड़कियों, छोड़ दो लड़कियों तुम छोड़ दो, सारिम काम करना चाह रहे हैं। चलो आप दोनों लड़कियां जो हो ना मेरा व्लॉग एंड करो। चलो तो करते हैं हम अपने व्लॉग को यहीं पर एंड। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा है तो क्या क्या करना है बोलो जी जैनब और आमना। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।